जिस काल में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रागैतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता। आधुनिक होमोपेशियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च पूरण पसान। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रयोग प्रारंभ किया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तांबा। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली फसल थी कौन थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। जिसका अगर आपका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में। निम्नलिखित में कौन पुरातात्विक हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी। नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नृत्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहन जोदारो से। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहन जोदारो से। सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का साक्ष्य कहाँ से मिला? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोथर से। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानग्रह कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंधु सभ्यता से। ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति की, यानी प्रकृति की। आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आर्यों का मूल निवास स्थान था, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एशिया माइनर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग वेद। सत्यमेव जयते उपदेश कहाँ से ली गई है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद का नौवा मंडल निम्न में से किस एक को ही संपित सूक्त का संग्रह है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोम। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रजापति। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पाटलिपुत्र नगर का स्थापक था, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि कुनिक थी, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अजात शत्रु। सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धनानंद, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। काला शोक की राजधानी थी, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्रा। सिकंदर कहाँ का शासक था, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मकदुनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध बिरास्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 326 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जैन धर्म के 24वें तीर्थक थे, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महावीर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित चार महाव्रतों में पांचवा व्रत
जोड़ा, कौन सा जोड़ा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जैन धर्म के तीन रत्न हैं, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए भी, बी और सी, यानी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्रा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी, बुद्ध, संघ और धम्म। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी ये सभी। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा बुद्ध द्वारा दी गई पहला उपदेश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बौद्ध के सर्वप्रथम शिष्य थे, सॉरी, सर्वप्रिय शिष्य थे, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आनंद। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा? आनंद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कौन हो जाएगा? चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, श्रवण बेल गोला में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेगनेथीज किसका राजदूत था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सही आंसर कमेंट में जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सेल्यूकस ने। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय, अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बना गया था? ऑप्शन ए, बी, सी
या डी स्क्राइटिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए बी सी या डी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कौटिल्य। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 261 ईसा पूर्व में, ईस्वी पूर्व। इंडिका किसकी रचना है? ऑप्शन ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मैग्नेथीज की, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? ऑप्शन ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपको महेंद्र को और संघमित्रा को, दोनों को भेजा गया था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप ने। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ई बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिला? ऑप्शन ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 13वें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुड पुरुष। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मैग्नेथीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7। चंद्रगुप्त मौर्य का महल का अवशेष कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुम्हार पटना। ठीक है, पटना में एक स्थान है कुम्हार, वहीं पर। अशोक ने धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए बी सी या डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुलो वाद सत्तु सुत्तु। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, मौर्य काल में प्रचलित विशिष्ट था? ऑप्शन ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निशुल्क श्रम, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए?
ऑप्शन ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इंडो ग्रीक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सी शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया? ऑप्शन ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सातवाहन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसके समय प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सातवाहन। सातवाहनों के समय से ब्राह्मण को भूमि का दान देना शुरू हो चुका है। कनिष्क का राज वैध था? ऑप्शन ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कौन? चरक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? ऑप्शन ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी महायान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कनिष्ठ की राजधानी थी? ऑप्शन ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पुरुषपुर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जूनागढ़ का प्रसिद्ध संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? ऑप्शन ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रुद्र दामन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रुद्र दामन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? ऑप्शन ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अरिक मेंडू। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? ऑप्शन ए बी सी या डी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अश्वघोष। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चौथी बौद्ध संगणी का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कनिष्क। गुप्त संवर्त की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया? ऑप्शन ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त को कहा गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चीनी यात्री फहरान किसके शासन काल में आया था? ऑप्शन ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। भारत पर हुंगो
का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सिकंदर गुप्त के शासन काल में। गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में मिले थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में मिले थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापक था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुमार गुप्त के। ब्रह्म भट्ट किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हर्षवर्धन की राजधानी थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चीनी यात्री हैनसंग किसके शासक काल में भारत आया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलियोरा के पर्वत को कटवा कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वतापी किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चालुक्य की। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। स्थानीय शासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चोल।